बिल्हा ब्लॉक के देवकीरारी ग्राम में फूड पॉइजनिंग के कारण 25 से अधिक लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। इसमें महिला पुरुष के साथ ही बच्चे भी शामिल हैं। सभी को बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई है। बिल्हा ब्लॉक के देवकीरारी ग्राम में फूड पॉइजनिंग के कारण 25 से अधिक लोगों के बीमार होने की खबर आ रही है। इसमें महिला पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सभी को बिल्हा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां दो बच्चों को गंभीर हालत में सिम्स हॉस्पिटल भेजा गया है, जिसमें से एक बच्ची के उपचार के दौरान ही मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बिल्हा के देवकीरारी ग्राम में रविवार की शाम एक गुपचुप वाले से लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने गुपचुप और चाट खरीदकर खाए थे। शाम को अचानक गांव के 27 से अधिक लोगों को उल्टी होने लगी। आनन फानन में सभी को उपचार के लिए बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर होने पर सोमवार को बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने उपचार के लिए सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान एक 9 वर्षीय बच्ची मीनाक्षी कोसले पिता चंद्र प्रकाश कोसले की मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन 11 वर्षीय साक्षी कोसले की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बच्ची की मौत की खबर से परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया था। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को समझाइश दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा मचाना बंद किया। CHMO डॉक्टर प्रमोद महाजन बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात की, साथ ही डॉक्टरों को मरीज के उपचार के संबंध में जानकारी भी ली। अभी तक सिम्स में 2 बच्चे भर्ती हुए हैं। एक बच्चा ऑलरेडी बॉर्डर आया था और 2 बच्चे अभी स्टेबल हैं। अभी इलाज किया जा रहा है, अभी ठीक है।